सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमे जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। रूठे को मनाना जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। आज का पंचांग 19 जून 2022 दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 19 जून 2022 दिन रविवार, आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन के भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बनाई थी अब उन्हें कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। आज किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए समय उत्तम है, इसलिए प्रयासरत रहें। युवा वर्ग को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सोचे हुए बातों को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति से मदद प्राप्त हो सकती है। परिवार से संबंधित बातों के बारे में विचार करें, लेकिन जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं है उससे संबंधित निराशा दूर करने की कोशिश करें। काम की जगह वरिष्ठ अधिकारियों के अहंकार को ठेस ना पहुंचे, इस बात का खास ध्यान रखें। पार्टनर के स्वभाव में और बर्ताव में खुद होकर कुछ बदलाव लाए जाएंगे। शरीर का डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। सावधानियां, ध्यान रखें कि आपकी भावनाओं तथा उदारता का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। शारीरिक रूप से भी कुछ उलझने तथा समस्याएं उभरेगी। किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी पारिवारिक सदस्य की विवाह संबंधित कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है। दोस्तों के साथ गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम बनेंगे। आज के दिन अपने रिश्तों की खट्टास और कड़वाहट को कम करने और सही करने का है, लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता एक उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा। आज आपका साथी अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा। बात करते हैं करियर की। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर खोज सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से उचित व्यवस्था रहेगी। सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज पेट से जुड़े तकलीफों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बड़ी नहीं है। आज पानी और ठंडे पेय पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाले संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर खाने से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। आज का उपाय, आज आप सूर्य पूजा करें, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।